हमारे साथ मयूरेश जोशी भी हैं जो ब्रोकिंग के। मयूरेश, इफ एट ऑल इंफोसिस वाकई में वो गाइडेंस 12 to 14% पोस्ट करता है, क्या एक बड़ा मिस नहीं होगा स्टॉक में खरीदारी करना आज से ही, क्योंकि जो भी एक्शन लेना होगा शायद फिर सोमवार सुबह में लेना होगा। आफ्टरनून हर्षदा जी, क्लियरली आई थिंक जो मैनेजमेंट गाइडेंस होगा आई थिंक बहुत पैरामाउंट होगा अगले वर्ष के लिए। और अगर 12 से 14 का गाइडेंस देते हैं, हालांकि आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कॉन्स्टेंट करेंसी में एनीवेयर बिटवीन 11.5 to 13.5, तो आई थिंक एक पॉजिटिव माना जाएगा स्टॉक के लिए। हालांकि आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आई थिंक अगर 1 से 2 साल का नज़रिया रखते हैं तो आई थिंक ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता आई थिंक इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ कोर नंबर्स स्पेसिफिकली Q4 के हिसाब से कुछ बहुत मेजर डिसअपॉइंट करेगा। आई थिंक लार्जली एक्सपेक्टेशन यही है EBIT मार्जिन बिटवीन 25-26% odd, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बिटवीन 1.8 to 2 odd% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री रियली Q3 में हमने देखी थी, आई थिंक वही लाइंस पर रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है आई थिंक बिफोर द इवेंट अग्रेसिव रहना आई थिंक ठीक बात नहीं है। लंबा वीकेंड भी है, वेट फॉर रिजल्ट्स। आई थिंक अगर आपका लंबा व्यू, अगर स्टॉक का चलता भी है ऑन मंडे विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ गाइडेंस बीइंग मेट, मुझे लगता है आई थिंक इट्स नॉट अ बैड टाइम टू इन्वेस्ट ऑन मंडे और इवन आफ्टर दैट। आई थिंक वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम थ्रू। मैनेजमेंट कमेंट्री को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा एंड क्लियरली आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से भी आई थिंक इन्फोसिस काफी रीजनेबली प्लेस्ड है। तो आई थिंक प्रीएम्प्टिव कॉल आज की तारीख में लेना नहीं चाहिए, रिजल्ट्स की राह देखें एंड देन प्रोबेबली टेक अ फ्रेश कॉल। यानी कि जो भी ट्रेड इन्फोसिस में होगा वो सोमवार को ही होगा, नतीजों को पढ़कर उनको समझकर। लेकिन एक स्पेस जहां पर हम देख रहे हैं काफी एक्शन है वो ऑटो कंपनियां, और इस पर हमारी नजर जरूर जाएगी। M&M, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, क्या लिया जाए इस पर हम राय जरूर लेंगे हमारे जानकारों से। लेकिन उससे पहले आपने जो हमें सवाल भेजे हैं उस पर राय साफ आ रही है, और कुणाल सराव की कह रहे हैं टाटा पावर में अब भी मौका है तेजी करने का, 3.5% ऊपर है काउंटर, याद रखिए 72 के टारगेट के लिए इसमें अब भी आप तेजी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप 59 रुपए पर लगाएंगे। वही रिलायंस इंफ्रा जो आज भी काउंटर थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा है, बहुत माइल्ड गेन्स हैं, अगर आपके पास है बने रहिए, टारगेट 600 रुपए का, स्टॉप लॉस 565 रुपए पर लगाने की सलाह। आप भी ऐसे मैसेज हमें भेज सकते हैं, और जो भी आपने ट्रेड लिया है लेना चाहते हैं इस पर हमारे जानकार आपको कॉल देंगे। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और अब ऑटो कंपनियां आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहीं पर हमने देखा है सबसे ज्यादा रफ्तार बनती हुई दिखाई दी है, और M&M काफी दिनों बाद ऐसे लेवल्स दिखा रहा है और इतनी तेजी में आया है। यहां से आगे सर्वेंद्र, क्या चाल रहेगी? 1345 एक ही दिन में 8% की बढ़त पर और काफी तगड़े वॉल्यूम्स। बिल्कुल, देखिए वॉल्यूम्स तो काफी अच्छे हैं, बट उसमें डिलीवरीज कितनी जाती हैं वो देखना पड़ेगा। और अगर इसको हिस्टोरिकल भी देखें तो वीकली वॉल्यूम्स, क्योंकि छोटा वीक है तो उतना बड़ा बार दिखेगा नहीं, बट डेफिनेटली आई थिंक फोर व्हीलर स्पेस में M&M जो अभी तक नहीं चला था फाइनली वॉन्टिंग टू कैचअप, तो ये कैचअप गेम इसका मेरे हिसाब से तो करीब 1400-1420 तक के तो टारगेट अभी इमीडिएट बनते ही हैं, बट लॉन्ग टर्म सेटअप इसके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। सो विद इन द फोर व्हीलर स्पेस आई थिंक टॉप 3 में डेफिनेटली रहेगा, और 1500-1550 तक भी 3 से 6 महीने में ये स्टॉक जा सकता है। ओके, लेकिन वही ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो भी कहीं ना कहीं कैचअप करने की कोशिश कर रहा है हीरो मोटो के साथ, जिसने बहुत ज़बरदस्त रफ्तार दिखाई थी। यहाँ आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे सर्वेंद्र? सी, प्योर टेक्निकल सेटअप्स में जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो हीरो मोटो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक पहले का भी एक बाय ट्रेड है, और वो स्टॉक भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 52 वीक हाइज में है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो दोनों में अगर पिक करना पड़ा तो डेफिनेटली हीरो मोटो को। ओके, तो अपॉर्चुनिटी क्लियरली हीरो मोटोकॉप में है, लेकिन हमने देखा है बाकी ऑटो कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार, काफ़ी तेज़ी का मूव आ रहा है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं जमकर खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। मयूरेश, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, जिस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं, एक तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2% पर हमने देखा, महंगाई का जो आंकड़ा कल CPI का आया वो 5% के नीचे आया, एंड ऑफ कोर्स मॉनसून का जो प्रिडिक्शन है पूरा समय बन गया है कि शायद रेट हाइक, रेट कट माफ कीजिएगा, इम्पेंडिंग है। कितने चांसेस हैं कि जून की पॉलिसी से पहले हो इस पूरे डेटा के मद्देनजर, और कितनी अग्रेसिवली फिर आप बैंक्स में इस समय पोजीशन लेना चाहेंगे? नहीं, अगेन
समझना यही चाहिए कि जैसे Q4 के नतीजे आएंगे, आई थिंक प्रोविजनिंग काफ़ी हाई रहने की उम्मीद है, सिमिलर टू व्हाट Q3 में हुई थी। दूसरी बात, आई थिंक जो क्रेडिट ग्रोथ की हम बात करते हैं, आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी स्लगिश ही रह सकती है। इट कैन स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्रूव, जो मैं हमेशा से मानता हूँ। आई थिंक सेकंड हाफ में क्रेडिट ग्रोथ अलॉन्ग विद पिकअप इन केपेक साइकिल, स्पेसिफिकली बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो स्टार्ट होगी, और अगर अच्छे मानसून आते हैं अलॉन्ग विद पे कमीशन रिकमेंडेशन, आई थिंक कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स हैं वहाँ पर रिलीफ मिलती है एंड यूजर इंडस्ट्रीज को। अगर वो इंडस्ट्रीज को ईज मिलती है एंड देर इज सम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इंप्रूवमेंट, आई थिंक जो बैंक्स का रीपेमेंट होता है टुवर्ड्स वॉट एवर देयर बोरोड, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी राहत मिलती है। बट आई थिंक Q4 लार्जली आई थिंक प्रोविजन ड्रिवन क्वार्टर होगा। रीस्ट्रक्चरिंग कितनी करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक इसका भी एक अनुमान लगाना पड़ेगा। बट लार्जली मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी सेकेंड हाफ ऑफ द कमिंग ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि बेस आई थिंक काफ़ी लो होगा। दूसरी बात, आई थिंक ऑन ऑब्वियस रीजंस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट, जैसे कैपिटल इन्फ्यूजन भी होगा इन अ फ्यू PSU बैंक्स, दैट कैन हैव सम अमाउंट ऑफ रेजिलियंस। ये भी एक देखना चाहिए, क्योंकि जैसे IIP का डेटा है तो अगर एक कंसिस्टेंट रहता है, आई थिंक जो बॉन्ड प्राइसेस होंगी वहाँ पे एक सुधार देखने मिलेगा। अगर बॉन्ड प्राइसेस में सुधार देखने मिलता है तो जो बॉन्ड पोर्टफोलियो होता है बैंक्स के बुक का, आई थिंक एंड दैट्स रीजनेबल प्रोपोर्शन आई थिंक ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बुक, आई थिंक वहाँ पे भी एक सुधार देखने मिल सकता है। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट भी बैंक्स का सुधारने की चांसेस है। तो मुझे लगता है लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्ज PSU बैंक्स, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, बट नजरिया आई थिंक शुड बी मोर देन 12 to 15 months। ओके, अगर आप देखें वायदा कारोबार में कुछ स्टॉक्स जहां पर हम अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं, उनमें टाटा केमिकल और कावेरी सीड्स, ये दो स्टॉक नज़र आते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि एक कॉमन थीम इस वक्त मॉनसून की कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सर्वेंद्र, अगर आप इन दोनों चार्ट्स पर नज़र डालें, टाटा केमिकल और कावेरी सीड पर, क्या राय देंगे? एक बात हालांकि हम आपको बता दें कि कावेरी सीड्स में पोजिशन का बिल्डअप है, टाटा केमिकल में नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी पोजिशन कटती हुई नज़र आई है। देखिए शॉर्ट्स मेरे ख्याल से टाटा कैम में थोड़े जो होंगे वो प्रॉब्ली निकल रहे होंगे, बट लॉन्ग टर्म सेटअप्स में क्लियरली लॉन्ग टर्म एवरेजेस को आज वॉल्यूम से निकाल रहा है। अब आज के सेशन में ये देखना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज डिलीवरी वॉल्यूम्स में कमिटमेंट है कि नहीं है, और अगर डिलीवरी वॉल्यूम में कमिटमेंट है तो दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और कावेरी तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड, काफ़ी पिटा हुआ है, और पहले फर्स्ट साइंस ऑफ रिवाइवल अगर बोलें तो वो कावेरी में दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली दोनों में एक 15 से 20% का उछाल तो दोनों में पॉसिबल है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस ऑफ कोर्स इन स्टॉक्स में साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ अब एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, निमिष शाह, जो MD एंड CEO है ICICI प्रूडेंशियल AMC के। निमिष, स्वागत है आपका। हमने देखा है बस आधे दिन में मार्केट में जो बुलिशनेस की डिग्री है वो और भी बढ़ गई है। कितने एंथूज्ड हैं आप जो भी डेटा निकल कर आया, चाहे वो मॉनसून का प्रोडिक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े और इन्फ्लेशन से, और यहाँ से क्या अगर एक स्ट्रेट तेजी का कॉल कोई लेता है तो 8000 निफ्टी और उसके ऊपर के लेवल्स पहुंचना आसान बात होगी? बहुत मुश्किल होगा ये बोलने को, क्योंकि अगर मैं आपको एक महीने पहले मिलता था या 1.5 महीने पहले मिलता था, आप मुझे और कुछ पूछते थे, राइट? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद द फ्लोस। मैं मानता हूँ कि ये डेटा सारा अच्छा आया है, पर आज मार्केट में हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हमारे कॉर्पोरेट नतीजे कब इम्प्रूव होंगे। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ मुझे लगता है, मैं जब एक साल पहले आपके वहाँ आता था तब मैं बोलता था कि इक्विटी में मत डालिए, डालिए तो 3 साल का नज़रिया लेके डालिए, एक साल तो हम तो ये 1 महीना 2 महीना 3 महीने वाले नहीं हैं, हम तो मिनिमम हमको अभी दायरा 2 साल लगता है, बिकॉज हमारे हिसाब से कॉरपोरेट अर्निंग्स इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। सो ये जो सारे हम अच्छे न्यूज़ देख रहे हैं, आज के अच्छे न्यूज़ देख रहे हैं, that to get converted into the bottom line of the company will take its own time. So मैं देता हूँ वो 17-18, मैं 16-17 के साल को नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है ये 17-18 और 18-19 का गेम है, जो दो मुझे अर्निंग्स देखती बढ़ती हुई देखनी है। तो आज मार्केट अगर हम देखें तो हमको कोई नजरिए से मार्केट ऐसा सस्ता मार्केट नहीं लग रहा है, राइट? बट देर इज अ तो मार्केट इज राइटली प्राइस्ड for all the good news that have come in today also. Market is fairly priced. The world expected India to do well. That's why they were putting in money. So market is fairly priced. So what is the opportunity that ke aaj ROE is bahut kam hai companies ke. To companies ke agar industry by industry dekhe, kuch na kuch problem jo humko sabko dikh rahe the February mein, March mein humko dikhne band ho gaye wo problem. February mein sabko problem dikh rahe the. So wo jo
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कम है कंपनीज की, उनका आरओई क्यों कम है, क्योंकि आज वो पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पाए। तो मुझे ये मार्केट क्यों अच्छा लगता है दो साल का नजरिए से, क्योंकि कंपनीज ने कैपेसिटी लगा दी है, कंपनी ने पैसे लगा दिए है धंधे में, पर उनको उनका रिटर्न नहीं मिला है आज तक। तो नेक्स्ट दो साल में इंडिया जैसे कंट्री में एक सीमेंट प्लांट हो या एक फार्मा प्लांट हो, यू गो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, आई बिलीव दैट कैपेसिटीज विल बी यूज्ड बेटर इन द नेक्स्ट टू इयर्स। और जैसे जैसे कैपेसिटीज यूटिलाइज होती है, हम ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं उनको, तो कंपनी को उनका मुनाफा कहीं, तो अगर 70% कैपेसिटी पे प्लांट सीमेंट प्लांट चलता है और वही प्लांट अगर 90% कैपेसिटी पे चलता है, देन द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैन बी मच हायर। सो दैट्स द प्ले दैट वन शुड प्ले फॉर, एंड आई थिंक वन शुड बी मेंटली ट्यून फॉर टू ईयर्स। शायद एक साल में भी रिटर्न आ सकते हैं, पर मेंटली ट्यूनिंग शुड बी फॉर टू ईयर्स, के दो साल लगेंगे मार्केट से पैसे बनाने के लिए। तो आप तीन साल से दो साल पे तो आ गए, लेकिन क्या आप ये भी कह रहे हैं कि अभी जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स आएंगे या इसके बाद एक दो क्वार्टर्स के नंबर आएंगे, वहाँ अभी और झटके लग सकते हैं जैसे पिछले क्वार्टर्स में लगे? एज द अर्लियर स्पीकर ऑल्सो सेड, बैंकिंग में नजर जो रिजल्ट आएंगे राइट, उनमें जो आरबीआई ने एक डायरेक्शन लिया है ऑन दैट बैंक्स हैव टू राइट ऑफ एंड शो, सो वी एक्सपेक्ट दैट जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं हमारी, उनमें थोड़ा राइट ऑफ्स का जोर तो रहेगा राइट। सो वी शुड नॉट गेट ओवर ऑप्टिमिस्टिक। जो आज से तीन महीने पहले जो बोल रहा था, मैं आज भी वही बोल रहा है, 2016 इज अ ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ एंड नोबडी नोज विच वे इट इज गोइंग। अगर जनवरी फरवरी में FIIs की बिकवाली थी तो हमने मार्केट जबरदस्त करेक्ट होते हुए देखा, मार्केट 23,000 हो गया था, उसको डेढ़ महीना ही हुआ है अभी तक मार्केट 23,000 होने को, $3.5 billion आए हैं लास्ट मंथ में मार्च में बाहर से, एंड दैट मनी एसेंशियली हैज कम इज ऑफ पैसिव फंड्स, ETF के पैसे आए हैं। इट इज नॉट दैट लॉन्ग ओनली फंड्स हैव टेकन, द एक्टिव फंड्स हैव नॉट टेकन पोजीशन ऑन इंडिया, पैसिव फंड्स ने, US के इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जा रहे करके पैसिव फंड्स ने इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, और वो एमर्जिंग मार्केट का प्रोपोर्शनेट पैसा हमको आया है राइट। सो यू कैन सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि अभी तक एक्टिव फंड का पैसा उतना नहीं आया तो वो भी आ सकता है। सो मेरा नजरिया है कि इट विल टेक, एज यू सेड लास्ट टाइम, 6 महीने पहले जब मैं आता था तब मैं बोलता था 3 साल लगते थे पैसे बनाने को, तो अभी शायद 2 साल में बन सकते हैं, पर वन हैज टू स्टैगर द इन्वेस्टमेंट इन 2016 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिजल्ट्स में देयर विल बी चैलेंजेस, आई एम मोर बुलिश ऑन 17-18 देन ऑन 16-17। आई डोंट एक्सपेक्ट द 16-17 ग्रोथ नंबर्स टू बी वेरी हाई एज आई एम बुलिश अबाउट 17-18। जो आप फैक्ट बोल रहे थे कि कंपनियों ने निवेश किया है और जब कैपेसिटीज बढ़ना शुरू होगी या फिर यूटिलाइजेशन बढ़ेगी उसका रिजल्ट हम देखेंगे, किन सेक्टर्स में आपको वहां पर स्टॉक परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि अगर किसी ने अहेड ऑफ द कर्व प्लान करना हो शायद अभी से धीरे धीरे करके उन सेक्टर्स में पैसा लगाना शुरू करें, आपका फंड किस पर ज्यादा बुलिश है? सो हमने बोला सीमेंट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन, अनदर थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग इज ऑयल। ऑयल जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है, अगर हमारा लास्ट 4-5 महीने के आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमने जैसे जैसे ऑयल गिरता जा रहा था हमने ऑयल रिलेटेड कंपनीज में अपस्ट्रीम ऑयल में हमने पैसे लगाए थे। अभी भी हमको लगता है टेकिंग कॉन्ट्रा पोजिशंस ऑन इवन सम ऑफ द मेटल स्टॉक्स वेयर द प्राइजेज हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग विल गिव रिटर्न्स। इंजीनियरिंग कंपनीज, जो प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कंपनीज है इंडिया, वो दैट इज, और हमारा ओवरऑल मानना है लार्ज कैप लुक्स लो, रिस्क रिटर्न अगर देखें तो लार्ज कैप्स में बेटर लग रहा है मिड कैप्स के। मिड कैप्स में हमको ऑफकोर्स स्टॉक पिकिंग कैन मेक सीरियस मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, स्टॉक पिकिंग विल मेक सीरियस मनी, बट अगर रिस्क रिटर्न पैरामीटर से देखूँ तो हमको लार्ज कैप में निवेश करना, जब हमारे इन्वेस्टर्स को भी हम बताते हैं तो आजकल हम उनको ज़्यादा लार्ज कैप तरफ, लास्ट 6 महीने से, क्योंकि लार्ज कैप के पी रेशियो इंडिया में मिड कैप से कहीं कम है जी। तो जिस तरह का हमारा मार्केट है, और लार्ज कैप करेक्ट भी हुआ है क्योंकि FIIs ने बेचा है इतना लास्ट बिफोर मार्च, FIIs हैव बीन सेलिंग फॉर 4 मंथ्स, तो लार्ज कैप करेक्ट भी हो चुका था, सो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन लार्ज। सो आज भी हम जब हम लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं हम बोलते हैं लार्ज कैप में ही रहिए, रिस्क रिटर्न उधर बेटर लग रहा है। लेकिन जब FIIs ने तो काफी वक्त से बेचा है, ये बात सही है, पर पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि शायद रिटेल इन्वेस्टर का भी हौसला कम हुआ है और वहां भी हम म्यूचुअल फंड्स में फ्लो कम होते हुए या आउटफ्लो होते हुए देख रहे हैं। आप
आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, आई वॉज नॉट इल्यूडिंग टू दैट, बट सिंस यू हैव सेड दैट, सी लास्ट पूरे साल जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब हम बिकवाली देख रहे थे जनवरी फरवरी में, तभी सामने म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए खड़े थे. जब मई 2014 से हर मंथ प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट में ऑलमोस्ट $1 billion प्लस डाला है, 6 से 10 हजार करोड़ हमारे मंथ के इनफ्लो होते थे, राइट. लास्ट 2-3 महीने से हमारे इनफ्लो थोड़े 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 कम हो रहे हैं. लास्ट मंथ आप वो मत देखिए, जो मुझे लगता है 8 से 10 हजार करोड़ की परचेज थी म्यूचुअल फंड्स की महीने की, वो 2 या 3 हजार करोड़ पे आ गई है. सो अगर FIIs की बिकवाली आएगी तो उतना कुशन नहीं है आज जितना आज से 6 महीने पहले था. सो वन नीड्स टू बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ मार्केट. सो आई एम बुलिश, आई एम नॉट बीन गिविंग अ बेयर कॉल. I am bullish with a 2-year perspective, but during the year we believe that volatility will continue. January, February, everything was down and bad. March suddenly the world looked very bright. वैसे months आएंगे, because global uncertainty will come into India. जैसे global risk on or risk off होगा, Indian markets अभी immediately react करेंगे क्योंकि mutual fund का जो cushion था वो relatively कम हो गया है. तो FIIs जब भी बेचने आएंगे तो तेज गिरावट और खरीदे तो तेज उछाल देखने को मिलेगा. वो चलता रहेगा. तो इस हालत में अगर किसी को निवेश करना है तो किस स्कीम में पैसे लगाएं, किस तरह के फंड चुने, आप क्या सलाह दे रहे हैं? हमने लास्ट 2 साल से जो मैक्सिमम, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड दैट वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमने बोला था हमारी एक बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड करके इस टाइप का फंड था जो इक्विटी और डेट कंटिन्यूस बैलेंस करता रहता है. अगर मार्केट्स ऊपर चले जाते हैं तो हम इक्विटी पोजीशंस निकाल देते हैं और हम डेट में चले जाते हैं, और अगर मार्केट गिर जाते हैं तभी हम इक्विटी लेने जाते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक रेशियो, कि मार्केट का प्राइस टू बुक बढ़ गया तो इक्विटी एलोकेशन कम कर दो. मार्केट का प्राइस टू बुक, सो आज का मार्केट में हम बेचते होंगे वो फंड में, और जब मार्केट गिरता है तो हम जाके खरीदते हैं, तो जो ट्रेडिशनली करना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डूइंग इट, एन एल्गोरिदम डज दैट. The allocation between equity and debt is done by algorithm, which is fixed based on price to book ratio. So, उस type के fund ने, so उसमें क्या होता है, last 1 साल में अगर markets 7 से 8% गिरा है, एक 31 मार्च टू ये 31 मार्च देखें, तो market कुछ 8% down था, 7.8 या 7.9, तो ये fund still भी 1% up था. Because though we are relative return givers, because this allocates between equity and debt on a continuous basis. तो लेकिन अगर market में अच्छी तेजी आती है तो उस स्थिति में भी फिर return थोड़ा कम होगा. अगर return थोड़ा कम होगा, पर मेरा मानना है कि market next 1 साल तक बहुत volatile. हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर market में एक तरफ की तेजी आती है, अगर market केवल ऊपर ही जाता रहता है तो ये fund बाकी fund से कम perform करेगा, पर आप कम risk लेके काम कर रहे हो, right? That's the So it is better in our risk return adjustment in this kind of market, which is only based on flows and corporate earnings are some quarters away. This kind of products make much more sense than any. Okay. Shukriya aapka hamare liye waqt nikalne ke liye. Aur ab 3 baj chuke hain, to har roz ki tarah bari hai Nifty par call lene ki. Kya keh rahe hain hamare experts? Pritesh Mehta, India Infoline ke. निफ्टी पर बाय कॉल दे रहे हैं, 7810 का स्टॉप, 7921 के टारगेट 2 से 3 दिन में आने की उम्मीद. इसके अलावा वैशाली पारेख ने भी अपनी कॉल दी है निफ्टी पर, और इनका मानना है कि निफ्टी में आप तेजी ही करें, 7920 के टारगेट के लिए आप पोजीशन लेंगे, और 1 से 2 दिनों का कॉल है, स्टॉप लॉस 7800 पर लगाने की सलाह साफ है. सर्वेंद्र हमारे साथ बने हुए. सर्वेंद्र, इस समय निफ्टी पर क्या राय ली जाए? बिल्कुल अशिता जी, देखिए 2 दिन पहले जब हम मिले थे तो 7850 का टारगेट दिया हुआ था, वो तो अब आज आ गया है, तो अब उसी ट्रेड को रोल करेंगे और उसको कैरी करेंगे. लास्ट स्टॉप लॉस जो दिए थे 7624 के थे, अब मेरा मानना ये है क्योंकि जो मोमेंटम है ये आगे 70-80 पॉइंट और कैरी कर सकता है, तो 7930-7950 के टारगेट्स को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर लाएंगे और करीब 7744 पे लगा के उस ट्रेड को होल्ड करेंगे. ये फिलहाल निफ्टी पर कॉल सर्वेंद्र की. हमारे साथ अब एक और जानकार जुड़ गए हैं, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप आगले. संदीप, आपकी राय क्या रहेगी, निफ्टी में इस समय क्या पोजीशन ले रहे हैं? मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा, 20-30 पॉइंट नीचे गिरता है तो ऐड करना होगा. ये अपने क्योंकि गैप है तो 3-4 दिन का ट्रेडिंग टाइम है, तो मंडे को अगर 40-50 पॉइंट भी नीचे गिरता है तो आपको ऐड करना होगा. 7790 का स्टॉप लॉस करके 7990 का टारगेट के लिए मैं प्ले करूंगा. ओके, तो निफ्टी पर एक तेजी की कॉल, अब 8000 के करीब पहुंचने की गुंजाइश फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स को नजर आ रही है.
लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो पूरी की पूरी निफ्टी के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। निफ्टी बैंक इस वक्त 430 पॉइंट ऊपर करीब 2.3% की तेजी दिखा रहा है। संदीप, इस पर आपकी क्या कॉल होगी? इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर ही चलेगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आपको अच्छी खासी मूव दे सकता है। एक 16,180 का स्टॉप लॉस रख के 16,650 का टारगेट बन पाए। ओके, इस बीच आइए देखते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हम खास तौर पे अच्छी रफ्तार आते हुए देख रहे हैं आज के दिन। और अगर आप नजर डालें अच्छे वॉल्यूम के साथ चलने वाले शेयरों पे, तो उसमें आपको एक आरएस सॉफ्टवेयर नजर आएगा जहां हमने लगातार इस हफ्ते रफ्तार देखी है। करीब 45-46% ऊपर ये शेयर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो नया पेमेंट सिस्टम बनाया है उसके पीछे इनके सॉफ्टवेयर का काम है और उसका फ़ायदा पूरी तरह से मिलता हुआ आप इस स्टॉक पर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मिड कैप स्टॉक्स जिन्होंने अच्छी रफ्तार पकड़ी है, मुझे लगता है हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस एक सेगमेंट दिख रहा है। आप हाउसिंग में HTIL देख सकते हैं, दीवान हाउसिंग देख सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के तौर पे। मयूरेश, क्या लगता है आपको हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस की थीम पे क्या आप ट्रेड करेंगे या निवेश करेंगे, ये देखते हुए कि इस बार के आंकड़ों के बाद लगातार रेट और यील्ड कम होने की उम्मीद की जा रही है बॉन्ड मार्केट और बैंकिंग सेगमेंट में? नहीं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे प्रदीप जी, आई थिंक मैं ऑप्टिमिस्टिक ही रहूँगा। जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ रहे हैं काफ़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। एंड स्पेसिफिकली आई थिंक इवन इन द डाउनटर्न हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की है। अगर हम देखें कॉस्ट इनकम रेशियोज आर क्वाइट मैनेजेबल, इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा हमने स्पाइक देखा नहीं है। स्प्रेड्स आर क्वाइट डिसेंटली मैनेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे एडवांसेस ग्रोथ हैं स्पेसिफिकली जो रिटेल ओरिएंटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं विथ स्मॉलर टिकट साइज, आई थिंक वहाँ पे हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा। और ये उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट टू ईयर्स एज रेट स्टिल कमिंग डाउन, ट्रांसमिशन जैसे होता है वहाँ पे और बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो मुझे लगता है आई थिंक दे विल बी कंफर्टेबली बी एबल टू मैनेज देयर NIMs, स्प्रेड्स मैनेज कर पाएंगे और वैल्यूएशन इवन एट दिस जंक्चर मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो आई थिंक LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, आई थिंक आई स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। एंड वापस KVAT है अगर 12 से 15 महीने का आपका व्यू होता है। ओके, 12 से 15 महीने का व्यू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक्स में साफ दिखाई दे रही है। कुछ और काउंटर्स जिनमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जय कुमार इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा वॉल्यूम पिकअप आता हुआ, 10-day एवरेज वॉल्यूम इसके 10,000 शेयरों से कम होते हैं। यहाँ पर आज हमने देखा है लगभग 60,000 शेयरों का कारोबार जय कुमार इंफ्रा में आज ही देखने को मिला है। स्टॉक 15% से ज्यादा की तेजी में इस समय कारोबार करता हुआ। एक और स्टॉक जिसमें हमने देखा एक बहुत तगड़ा स्पाइक आ रहा है वो है महाराष्ट्र सीमलेस, ये भी 15% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ मिनटों में। जय कुमार इंफ्रा पर मैं सर्वेंद्र आपकी राय लेना चाहूंगी, 277 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या इस समय खरीदारी अब भी की जा सकती है या फिर काफी भाग चुका है स्टॉक? देखिए, आज के लिए तो थोड़ा ज्यादा भाग चुका है और थोड़ा सा करेक्शन में डेफिनेटली लेना चाहिए। इसके लास्ट मंथ के भी पैटर्न्स बहुत अच्छे थे और उन्हीं पैटर्न्स को ये मंथ फॉलो थ्रू कर रहा है। सो बैक टू बैक अगर दो बुलिश मंथ के पैटर्न्स हैं तो मानना तो ये जाएगा कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने इसमें अच्छे रह सकते हैं। और अगर एक पिछले फॉल का एक अगर 50% भी रिट्रेसमेंट कर लेता है तो करीब 340-350 तक के टारगेट इसमें डेफिनेटली आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर कोई 3 से 6 महीने का व्यू लेता है तो करेक्शंस पे लेना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि हम आज सुबह ये सुन रहे थे कि यहाँ FI लिमिट हिट हो चुकी है तो शायद गिरावट आएगी, लेकिन स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम और तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। कुछ और स्टॉक्स अगर आप देखें तो इन्फीबीम करीब 8.8% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ, वॉल्यूम औसत के आसपास ही है, नए हाइज बनते हुए लिस्टिंग के बाद से जरूर नजर आए हैं आज इसमें। मयूरेश, क्या कॉल देते हैं आप इसमें? नहीं, जो होल्ड कर रहे हैं आई थिंक उनको होल्ड करना चाहिए प्रदीप जी। अगेन आई थिंक जैसे इसका बिजनेस मॉडल है मुझे लगता है आई थिंक यू नीड टू गिव टाइम फॉर अर्निंग्स टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग और एक कंपाउंडेड ग्रोथ वाली स्टोरी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए। अगर आपके पास ये स्टॉक है 7% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। भेल एक स्टॉक जहां पर हमने देखा है काफी इंटरेस्ट आज देखने को मिला है, 5% की तेजी इसमें साफ दिखाई दे रही है और ये टॉप गेनर्स में शामिल है आज। संदीप, क्या यहां पर तेजी की पोजीशन ले जा सकती है? वायदे में भी हमने देखा है काफी एक्शन है, तो क्या लॉन्ग एड करना ठीक रहेगा? 121-122 में हमने भेल रिकमेंड किया था और मैं 133 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की रिकमेंडेशन दे चुका हूँ।
मुझे लगता नहीं है कि वन में भागेगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है, शायद 145 वगैरह जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए ऐसा मेरा मानना है। ओके, मुनाफा वसूली करने की सलाह आप फिलहाल BHEL में दे रहे हैं, लेकिन दो और स्टॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर उसी थीम पे जो कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, GIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स। ये दो स्टॉक आपको देखने चाहिए। पहली बात, इनमें नए 52 वीक हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे, अगर आप देखें तो इनमें औसत वॉल्यूम जो होता है उसके मुकाबले में चौगुना वॉल्यूम है। यानी सर्वेंद्र, आप जो कह रहे थे कि वीकली कैंडल में कितना वॉल्यूम दिखेगा, 3 दिन का हफ्ता था, ये दो स्टॉक शर्तिया आपको वीकली में ज़्यादा वॉल्यूम दिखाएंगे, भले ही 3 दिन का सेल्स, 3 दिन का ट्रेड रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम इस सेगमेंट के लिए थोड़ा पहले बोल सके तो GIC डेफिनेटली एक पिक, BTST के लिए एक बहुत ही अच्छा पिक है, तो उसको डेफिनेटली रिएटेट करना चाहिए। और वो स्टॉक जो है अपने मीडियम टर्म सेटअप्स में से बहुत अच्छे से निकला है, तो मेरा मानना तो ये है कि 3 से 6 महीने की डिलीवरी पोजिशंस भी इसमें ली जा सकती हैं, और किसी को अगर होल्ड करना है तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक और एक अच्छा सेक्टर। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी GIC में डेफिनेटली दिख रही है। 7% ऊपर फिलहाल वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स यहाँ पर हमने देखा है काफ़ी तगड़ी रफ्तार आज देखने को मिल रही है, उसमें महाराष्ट्र सीमलेस में एक स्पाइक आ रहा है। सर्वेंद्र, क्या चार्ज कहते हैं, क्या लास्ट करेगा ये मूव? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक कंपनी बहुत अच्छी है और पैटर्न्स भी बहुत इसमें अच्छे हैं। ये हमारा पिक भी है, तो क्लाइंट्स के पास भी डेफिनेटली डिस्क्लेमर ये है कि क्लाइंट्स के पास भी ये रह सकता है, और ये स्टॉक हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो यहाँ से लगता है कि और 30 से 35% और यहाँ से अभी जगह बाकी है स्टॉक में। अगर ये बेसिक रिट्रेसमेंट भी करता है और अपने पिछले हाईस तक नहीं भी जाता है तो भी स्टॉक में कम से कम एक 30 से 35% की जगह और है। चलिए, एक अच्छी तेजी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, तो मीडियम टर्म में 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स भी महाराष्ट्र सीमलेस देगा। लेकिन आप जो हमें मैसेज भेज रहे हैं उस पर हमारे जानकार आपको बता रहे हैं आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सुमित बगाड़िया की कॉल अब अरविंद पर आ रही है, उन्होंने कहा है अरविंद में मौका है, आप खरीदारी कर सकते हैं 285 के टारगेट के लिए, इसमें तेजी करें, 272 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं टाटा कम्युनिकेशंस में भी मौका है तेजी करने का, 415 से 420 ये है टारगेट, स्टॉप लॉस आप 394 पर लगाएंगे, ये राय इनकी है। आप भी हमें मैसेज कीजिए, हमारे जानकार आपको बताएंगे किन स्टॉक्स में आप पोजीशन ले सकते हैं और क्या वो पोजीशन रहेगी। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। कुछ और स्टॉक्स जिन पे आज खास तौर पे बाजार का फोकस दिख रहा है, एक शेयर है शालीमार पेंट्स का, अगर आप इस पर नज़र डालें, अभी अभी यहाँ पर हम एक तेज़ उछाल आते हुए देख रहे हैं और पूरे दिन के वॉल्यूम का आधा ट्रेड दरअसल अभी होता हुआ दिखाई दिया है, ये वजह होगी यहाँ पर। और आप देखिए टोटल इसमें जो तेज़ी आ चुकी है 16% के आसपास, लेकिन अभी भी बड़ा वॉल्यूम होता हुआ अगर नज़र आ रहा है, तो ऊपर के लेवल पर भी शायद कुछ एक्शन बरकरार है। मयूरेश, क्या आप ट्रैक करते हैं इसको? शालीमार बहुत स्पेसिफिक नहीं करता प्रदीप जी, लेकिन पेंट इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है थिंक जो एक पॉजिटिव ट्रेंड्स हमने बिल्टअप किए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स के बिकॉज ऑफ द फॉल इन क्रूड, टिटेनियम डाइऑक्साइड के प्राइसेस गिर गए थे, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स के प्राइसेस गिर गए थे, उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी इम्पैक्ट इनकी EBITDA मार्जिन पर दिख रहा था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं आई थिंक स्टिल लैंग्वेज कर रही थी और काफ़ी वॉलेटाइल थी। मुझे लगता है आई थिंक अगर मानसून अच्छे होते हैं, जैसे 7 पे कमीशन के रिकमेंडेशन बाहर आते हैं एंड इफ दे आर पेड आउट, कहीं ना कहीं जो रीपेंटिंग डिमांड होती है विच गेट्स रिपीटेड एवरी 2 to 3 ईयर्स, आई थिंक दैट कैन हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। अगर इसमें ट्रैक्शन आता है तो सेमी रूरल अर्बन सेमी अर्बन एरियाज आई थिंक यू विल सी गुड ट्रैक्शन, आई थिंक जो वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट होगा, अगर वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट होता है तो जो आई थिंक प्राइसिंग होगी आई थिंक वहाँ स्टेबिलिटी मिलती है। इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन अभी भी आई थिंक है सिस्टम में, तो आई थिंक EBITDA मार्जिन शुड लार्जली स्टेबिलाइज, बट इसका जो एंड रिजल्ट होता है कि कैश फ्लो सुधरते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्टिविटी एंड वॉल्यूम्स, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ते हैं और इसका क्लियर इंपैक्ट आता है रिटर्न रेशियोज पे। तो मुझे लगता है आई थिंक पेंट कंपनीज विद दिस केवियट के अच्छे मॉनसून कंटिन्यू होते हैं, पे 7 पे कमीशन के रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट ने दिए हैं आई थिंक वो दैट स्टार्ट्स गेटिंग पेड आउट, आई थिंक एक डेफिनेट इंपैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, मुझे लगता है आई थिंक जितने टेलविंड्स हैं ये सारे कंपनीज के लिए दे फार ग्रेटर ऑफसेट द हेडविंड्स दैट द सेक्टर इज फेसिंग राइट नाउ, इसलिए मैं आई थिंक पेंट सेक्टर पे जनरली काफी बुलिश रहूंगा। मुझे लगता है 1 से 2 साल में आई थिंक With volumes coming back, इसकी earnings recovery भी काफी sharp हो सकती।
ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी साफ तौर से दिखाई दे रही है इस पूरे स्पेस में, जहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। दिग्गजों पर आए तो HULITC जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छे वॉल्यूम पर कारोबार रहा। इन दोनों में से अगर एक स्टॉक चुनना हो सर्वेंद्र, आप किसके साथ जाएंगे? फिलहाल तो मैं ITC के साथ जाऊंगा। लास्ट एक महीने से बहुत ही अच्छा एक कंजेशन रेंज है, शार्प रिकवरी के बाद एक 315 से लेके एक 330 के बीच में मोटा मोटी उस रेंज में ये लास्ट एक महीने से ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज से निकल जाता है, जो कि आज के बाहर से लग रहा है शायद ये डेफिनेटली वो कोशिश कर रहा है कि वो 330-335 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और अगर वो ये करता है तो मेरा मानना है कि 345 से 350 तक के ट्रेडिंग टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं। ओके, आज के टॉप परफॉर्मर्स में शिल्पा मेडिकेयर एक स्टॉक है जिसके प्लांट को जापान से क्लीन चिट मिली है। हालांकि ज़्यादा दिक्कत लोगों को यूके और अमेरिका में खास तौर पे आई है, पर इस खबर के ऊपर मार्केट ने बहुत ही तेज़ रिएक्शन दिया है और 18-19% की तेज़ी देखी जा रही है। वॉल्यूम अगर आप देखें, पिछले पूरे महीने में जितना वॉल्यूम नहीं हुआ उतना आज के दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। मयूरेश, क्या राय देंगे आप? नहीं प्रदीप जी, स्पेसिफिकली काउंटर में ट्रैक नहीं करता। सर्वेंद्र, क्या चार्ट से आपको कोई अंदाज़ा लगता है जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम है आज? देखिए, स्टॉक तो एडजस्ट हो गया था तो उसके बाद तो एक शार्प करेक्शन और एक फॉल चार्ट्स पे दिखता है, बट मानना ये है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी नैरो डाउन रेंज थी वीकली में, अब उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है तो अपने लॉन्ग टर्म मार्कर्स जो कि करीब एक 595 के आसपास एक लॉन्ग टर्म एवरेजेज हैं उसके आसपास, तो डेफिनेटली इस थ्रस्ट में ऐसा लगता है कि वहाँ तक तो पहुँच सकता है। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन लग सकते हैं बट डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव दिख रहे हैं। और अदरवाइज आप देखिए तो यहाँ पर मुश्किल से 30-35 हज़ार शेयर ट्रेड होते थे, आज खबर की वजह से अचानक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए लोगों को। ये आप वॉल्यूम BSE के देख रहे हैं मेरे ख्याल से, NSE पे करीबन 9 लाख शेयर्स के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आया, 8.5 लाख टू बी प्रिसाइज अभी तक का। लेकिन अब 3:15 बज चुके हैं और बारी है BTST या STBT कॉल्स जानने की। कृणाल दायमा MD फर्स्ट स्टेप कैपिटल के बाई कॉल दे रहे हैं अंबुजा सीमेंट पे, 227 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 235 के टारगेट आएंगे। बजाज ऑटो पे भी उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 2548 यह स्टॉप लॉस और 2660 के टारगेट है। वहीं समित चौहान की राय आपके लिए हाजिर करते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन में तेजी का कॉल दे रहे हैं, टारगेट उन्होंने 60 रुपए का दिया है, 49.50 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाइएगा जरूर। अपोलो टायर्स में भी मौका है तेजी करने का, टारगेट 183 रुपए का और स्टॉप लॉस 162.50 रुपए पर आप लगाए। सर्वेंद्र और संदीप बागले दोनों हमारे साथ हैं और इनके भी कॉल ले लेते हैं। सर्वेंद्र बताइए, आपकी पिक क्या रहेगी, BTST क्या करेंगे? नहीं, अब तो आज तो बहुत ज्यादा चॉइसेस है, अब दो निकालना मुश्किल काम है बट निकाला है। एक तो जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे GIC डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है, सो अराउंड 278-279 जैसे टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 269.40 के करीब वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। BTST बाई साइड का कॉल है और एक नाम लेना चाहूँगा लार्ज कैप्स में से, आई थिंक आज मिस हो गया है ये बट डेफिनेटली इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, आज थोड़ा सा छुपा रुस्तम है बट ये निकलेगा ज़रूर, रिलायंस। आई थिंक जिस तरह से ये रेंजेस निकालने की कोशिश कर रहा है डेफिनेटली टारगेट्स फाइनली 1150 प्लस होंगे, बट जस्ट फॉर द ट्रेडिंग साइड आई थिंक 1084-85 के टारगेट्स लेके चलें और 1059 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, RIL और GIC हाउसिंग ये फिलहाल पिक सर्वेंद्र की इस समय, लेकिन संदीप आपकी क्या राय रहेगी, किन स्टॉक्स के साथ आप जाएंगे? हर्षित, मैं भी दोनों BTST ही रिकमेंड करूंगा, पहला स्टॉक होगा एक्सिम बैंक स्टॉप लॉस 987 टारगेट 1013 और दूसरा होगा हिंद यूनिलीवर प्लस 89 टारगेट। बैंक 1013 का टारगेट और HUL जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले, वहां पर भी तेजी लेने की कॉल है, 894 का लेवल इस समय है, 897 पर इस समय ट्रेड कर रहा है काउंटर और 890 का स्टॉप लॉस आप लगाएगा, 921 के टारगेट के लिए यहां पर पोजीशन ली जा सकती है। ये फिलहाल राय साफ निकल कर आई है, कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और ये स्टॉक्स का ज़्यादा भागते तो है नहीं, लेकिन अवनीत एजुकेशन में हमने देखा है एक तगड़ा स्पाइक आया है, 6-7% की तेज़ी देखने को मिली है। मॉन्टे कार्लो एक और काउंटर है जहाँ पर अच्छे वॉल्यूम पर आज तेज़ी देखने को मिल रही है। SRF जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी बढ़त देखी जा रही है, इनमें से कोई जो आपके रेडार पर है मयूरेश?
अक्षर जी, आई थिंक मुझे SRF काफ़ी समय से पसंद आ रहा है। मुझे लगता है जैसे इनका बिजनेस मॉडल है, स्पेसिफिकली स्पेशलिटी केमिकल्स की हम बात करें, जो डोमिनेट करती है अर्निंग्स 41% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज, फॉलोड बाय टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड पैकेजिंग। कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन है स्पेसिफिकली केमिकल बिजनेस में, आई थिंक दीज मार्जिन आर एक्सेप्शनली हाई और कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये मार्जिन मेंटेन करने के लिए एबिट फ्रंट पर। जैसे हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है स्पेसिफिकली ऑन दी स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस, आई थिंक ये ग्रोथ मेंटेन होने की उम्मीद है। जैसे नए प्लांट्स डालने की मैनेजमेंट ने एमडीसीएच किया है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर, जितना केपेक्स डालेंगे, जितनी डेट इक्विटी है, जैसे मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, जैसे फ्री कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट्स अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसके वजह से इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आई थिंक आई रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट SRF। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स ये स्टॉक को होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो SRF में एक अच्छा मौका जरूर है पैसे लगाने का। लेकिन संदीप, मोंटे कार्लो या फिर जो दूसरे काउंटर्स हैं, नवनीत एजुकेशन जिसमें तेजी देखी गई है, क्या मुनाफा वसूली कर ले आज बाजार बंद होने से पहले या फिर होल्ड करें पोजीशन? मोंटे कार्लो में तो ऊपर में सस्टेन नहीं किया है अर्शदा, 420 में काफी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, कैरी फॉरवर्ड की व्यू नहीं दूंगा। नवनीत थोड़ा सा पॉजिटिव है, 88-89 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये 95-96 तक जा सकता है, तो इसमें मैं होल्ड की सलाह दूंगा या पोजीशन बनाने की भी सलाह दूंगा। ओके, इस बीच आइए देखते हैं कि आज आखिरी घंटे के पॉपुलर स्टॉक्स कौन से हैं, और बार बार रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ही आ रहे हैं। सर्वेंद्र, एक स्टॉक है अनंत राज, देखिए 7 लाख का टोटल वॉल्यूम है अब तक NSE पे, 3.25 लाख शेयर्स पिछले 10 या 15 मिनट में ट्रेड हुए हैं और करीब 4% का एक स्पाइक देखने को मिला है। अगर हम अनंत राज का स्टॉक आपके स्क्रीन पे ला पाएं तो आप देखेंगे ये मूवमेंट आते हुए। जी हाँ सर्वेंद्र, क्या कहेंगे? थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये रेगुलर कवरेज में नहीं है और स्टॉक बहुत ज़्यादा 350 वाला करीब 35 तक के भाव दिखते हैं, तो इतना गिरे हुए स्टॉक में कोई स्ट्रॉन्ग व्यू तो बन के नहीं आएगा। बट ये एक बात जरूर है कि कंजेशन रहा है इसमें और लास्ट कई महीनों से 30-32 की रेंज में बहुत ज़्यादा कंजेशन रहा है, तो मे बी सम इनसाइडर्स जो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो अभी तो अगर इसको ट्रेड करना है तो खाली एक 42-45 के उछाल के लिए इसको ट्रेड करेंगे और वहाँ से व्यू बनाएंगे। अगर 45-46 के ऊपर ट्रेड होने लगता है तो मे बी शायद इसके दिन वापस फिर रहे हो। ओके, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की नज़र जिस एक खास डेवलपमेंट पे बनी हुई है वो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के बीच होने वाली बैठक पे। जिस तरह से खबरें निकल कर आई कि शायद एक कंसेंसस बनती हुई नज़र आ रही है सऊदी अरब और रशिया के बीच, इसके चलते हमने देखा क्रूड में तेज़ उछाल देखने को मिला, करीब 45 का लेवल हमने ब्रेंट पे आते हुए देखा था कल अमेरिकन मार्केट्स में। धर्मेश भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं एमिरेट्स NBD के। धर्मेश, क्या उम्मीद है आपकी, क्या एक कंसेंसस बन चुकी है या बनने की तैयारी है? गुड आफ्टरनून, अगर आप देखिए तो कच्चे तेल में जो तेजी देखने मिली है वो लास्ट भी अराउंड 20-25 ट्रेडिंग सेशन में एक तरफा मोमेंटम देखने मिल रहा है। काफी कंसेंसस है कि मे बी इन लोग अपने आउटपुट को फ्रीज कर देंगे। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो 17 तारीख की जो डेट है उस दिन की सब लोग की तरफ से मे बी आंख लगी है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मार्केट में एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है सप्लाई में, क्योंकि अगर आप देखिए कंटिन्यूस मार्केट में जो जिस तरह सप्लाई बढ़ रही है और जो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन बिल्डअप हो रहा है दो कंट्रियों के बीच में, उस कारणवश आपको कच्चे तेल में एक अच्छी खासी एक तेजी देखने मिली। अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 28-29 से मार्केट ने एक तरफा एक मोमेंटम दिया है और 42-45 तक के लेवल्स आपको देखने मिले हैं, तो प्राइस में कहीं ना कहीं बाय ऑन रूमर्स ऑन सेल ऑन न्यूज की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो न्यूज के आने के एक दिन पहले ही मार्केट में थोड़ी सी आपको एक नरमाहट देखने मिली है प्राइस में, आज 1% की गिरावट है, बट मुझे नहीं लगता मार्केट में ज्यादा गिरावट रहेगी। 17 तारीख की न्यूज के बाद मार्केट में डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा स्लो डाउन रहेगा आउटपुट में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी रहेगी आने वाले समय में, और मेबी फर्स्ट क्वार्टर से जो सेकेंड क्वार्टर में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और अंतराल तक मेरे एस्टिमेटेड टारगेट रहेगी $50 के। धर्मेश, आपको क्या लग रहा है कि $40 एक सपोर्ट का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि $40 का लेवल ये दूसरी बार है जब ये महीने की मार्केट में एक बार जो छलांग लगाई थी, बट मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल रहेगी, 40,000 के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, एक बार एक डिप देना चाहिए न्यूज आने के बाद, बट डेफिनेटली मेजर ट्रेंड ऊपरी स्तरों पर ही रहेगा, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। मे बी इंटरडे में आपको $1-2 की मोमेंटम दिखने मिल सकते हैं मे बी न्यूज के बाद,
बट मेजर ट्रेंड तेजी का रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेकेंड क्वार्टर में आपको इसकी तेजी बढ़कर $50 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंसेंसस नहीं बना तो क्या होगा? वो ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, रूमर्स है कि शायद आउटपुट कट करेंगे और मार्केट में तेजी देखने मिली है। जैसे न्यूज आएगा मार्केट में, शायद अगर न्यूज नेगेटिव हुआ क्रूड कच्चे तेल के लिए तो एक सेल ऑफ आ सकता है, बट सेल ऑफ ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में फैक्टरिंग हो चुका है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डिस्टार्टेड हो चुका है। शायद मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी $35 के इर्द गिर्द, क्योंकि मुझे लगता है $35 का जो स्तर है वो काफी दिनों से मार्केट में एवरेज आउट है। अगर आप लास्ट एक महीने का भी एवरेज लेते हैं तो मार्केट में $35 और $34 के एवरेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एवरेज आउट पे मार्केट रुक जाएगा। फिर से मार्केट में आपको एक लैक लस्टर ट्रेड देखने मिल सकता है जब तक की नई कोई नई न्यूज आ रही है। बट यही है कि कौन सी कंट्री सबसे पहले अपनी हार मानती है, क्योंकि इसे सप्लाई करने के बावजूद, सप्लाई बढ़ाने के बावजूद भी उनका जो डेफिसिट है वो बढ़ता है। जब तक डेफिसिट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उनको एक कंसर्न है उनकी कंट्री के आगे जाने बढ़ने के लिए, तो यही है। बिल्कुल, तो उम्मीद करें कि नतीजा निकल कर आएगा रविवार को। शुक्रिया आपका। लेकिन संदीप, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए, ये बड़ा इवेंट है इन्फोसिस का रिजल्ट, दूसरा बड़ा इवेंट है रविवार को होने वाली ये मीटिंग जहां पे ऑयल पर फैसला लिया जाएगा, और फिर तीन सेशंस ग्लोबल मार्केट के निकलेंगे जब हम लौट कर आएंगे। तब तक एक चार्ट पे आपने जैसे कि कहा कि कोई संकेत ऐसा नहीं है कि थकावट दिख रही हो, लेकिन एक ट्रेडर के तौर पर अगर आप अपने एक्सपीरियंस पे जाएं, क्या इतने सारे इवेंट का रिस्क आप लेकर जाना चाहेंगे चार दिन के लिए? प्रदीप, आइडियली थोड़ी लाइट पोजीशन रखी जाए, बट सिग्नल क्लियर है, मार्केट निफ्टी ऑलमोस्ट हाई पे क्लोज हो रहा है, तो कोई वीकनेस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी बहुत पोजीशन तो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। और आपने इंफोसिस की बात कही, मुझे इंफोसिस में थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तो मैं इंफोसिस अवॉइड करूंगा। लॉन्ग टर्म इंफोसिस पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में 4-5% का डाउन साइड दिखता है, शायद रिजल्ट इतना पॉजिटिव नहीं हो, तो इन दैट सेंस इन्फोसिस में अवॉइड करूंगा। लेकिन निफ्टी या अच्छे बाकी स्टॉक जिसमें पैटर्न्स क्लियर है, मुझे लगता है हाँ लाइट, थोड़ी पोजीशन लाइट रखे, लेकिन थोड़ी बहुत कैरी की जा सकती है। इंटरेस्टिंगली ये सवाल हम रजत बोस से भी जब पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि आज यानी बुधवार के दिन ऊपर क्लोज होगा और उसके बाद सोमवार को नीचे खुलेगा, ऐसा लगता है। उनका ये कहना था कि अगर आप देखें इस तरह के लंबे छुट्टियों के बीच में हम ये पैटर्न कई बार देखते हैं, तो आज का आधी भविष्यवाणी तो सही हो गई कि आज तो अच्छे हाई पे बंद हो गए, अब देखते हैं सोमवार। आप और प्रदीप, हम देख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंगली ये शायद 7850 के आसपास ही क्लोज नजर आता हुआ दिखाई देगा, जो मेरे ख्याल में जनवरी में हमने देखा था, और उसके बाद 7800 के ऊपर ये क्लोज नजर आ रहा है। और अच्छा पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं सभी सेक्टर्स की ओर से हुआ है और हैवी वेट्स की ओर से भी हुआ है। एक बार फिर आपके लिए समय के टॉप परफॉर्मर्स हाजिर कर लेते हैं, M&M, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, भेल, मारुति। तो ऑटो कंपनी और बैंक्स ने ही लीड किया इस मूव को, लेकिन टाटा स्टील भी एक काउंटर है जहां पर हमने देखा है टाइम एंड अगेन खरीदारी हो रही है। कल भी स्टॉक में थोड़ा सा प्ले आता हुआ दिखाई दिया था। चार्ट्स पर एक ट्रेड के लिहाज से 332 के आसपास टाटा स्टील में क्या पोजीशन लेकर जाएंगे आप? यहां पर करीब 2.5% की बढ़त है सर्वेंद्र। देखिए, टाटा स्टील तो हमारा 200-240 से टॉप रिकमेंडेशन, टॉप बाय था, और हमने 320 के आसपास प्रॉफिट्स भी बुक करा दिए हैं। तो यहाँ से जिस तरह का इसने मोमेंटम डिके इसमें आ गया है शॉर्ट टर्म में, यहाँ से फ्रेश ट्रेड्स तो बिल्कुल नहीं बनते हैं इसमें। इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा मोमेंटम कूल ऑफ हो जाए उसके बाद प्रॉब्ली अगर री एंट्री भी मारनी है अगर इसमें, तो थोड़े कूल ऑफ में मारें तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़े बेहतर होंगे। से अराउंड 300-310 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो ज़्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, यहाँ से तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ओके, लेकिन अनंत राज में जो मूव हम कुछ देर पहले देख रहे थे, वैसा ही मूव अब आया है नालको में। यहाँ भी आप देखिए, पूरे दिन के वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम पिछले कुछ मिनटों में होता हुआ, और एक स्विंग है करीबन 5% का। संदीप, क्या कॉल देंगे आप? पॉजिटिव है, मुझे लगता है ये 45-46 का टारगेट होगा, मैं बाय करने की सलाह दूंगा। इसके टारगेट के साथ खरीद की सलाह संदीप दे रहे हैं। आखिरी 1.5 मिनट बचा है ट्रेड का प्रदीप, तो स्टॉक्स पर आ जाते हैं जहां पर आज हमने देखा है सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। हैवीवेट्स पर हमने नजर डाली, लेकिन इस सूची में आप अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट को भी जोड़ सकते हैं। HUL, ITC की ओर से भी अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है। टाटा पावर एक और परफॉर्मर है आज का, 3% से ज्यादा की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। मिड कैप कंपनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा जबरदस्त तेजी आई,
जय कुमार इंफ्रा ने इनफैक्ट लीड किया है उस प्ले को, 15% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। कुछ और काउंटर्स में इन्फी बीम अब 9% की तेजी के साथ टिकता हुआ दिखाई देगा। मॉन्टे कार्लो एक और काउंटर है जहां पर अच्छी तेजी, SRF कॉरमंडल इंटरनेशनल थॉमस कुक के दूसरे स्टॉक्स है जहां पर हमें देखा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है ट्रेड का। NBFCs या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, फाइनेंशियल काउंटर्स में हमने देखा आज काफी ज्यादा इंटरेस्ट, तो वो पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जहां पर आज हमने देखा PTC इंडिया फाइनेंशियल्स, ऑफकोर्स ये हमारा जैकपॉट शेयर था, तो उसमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। M&M फाइनेंशियल्स हो, दीवान हाउसिंग, कैनफिन होम्स, इसमें आप GIC हाउसिंग भी देख लें, जिस काउंटर्स थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं चौतरफा रहा है और काफ़ी इंक्लूसिव रैली है आप कह सकते हैं। चुनिंदा काउंटर्स ही होंगे जहाँ पर हमने देखा आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती दिखाई दी है। बिल्कुल, लेकिन जाते जाते लोगों ने आज कहाँ दाव लगाया, हमने कुछ स्टॉक्स देखे, कुछ और शेयर्स आपको अगर इसमें दिखाएं, कर्निक्स माइक्रो अच्छी खरीदारी लेकिन वॉल्यूम थोड़े हल्के हैं। रॉयल ऑर्किड में भी कुछ हल्के वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है। प्रेस्टीज स्टेट लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ पर जाते जाते काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने आज खरीदारी होते हुए देखी है। तो एक बार फिर से रियल एस्टेट का स्टॉक है जहाँ हमने वॉल्यूम देखा है। इसके अलावा DCW, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स, इंडियन मेटल्स, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज हमने आपके मिलते हुए अच्छी खरीदारी का रुख देखा। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी अब प्रोविजनल क्लोजिंग देते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं 25,620 सेंसेक्स पे, 7,850 के काफ़ी करीब निफ्टी का क्लोजिंग। और अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक हर तरफ तेज़ी देख रहे हैं, निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी कमज़ोर हुई हालांकि, लेकिन फिर भी 2:1 का रेशियो बरकरार रहा है। इन तीन में से दो स्टॉक्स तो ऊपर थे, पर हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर जहां हम सुपर बुलिश मूड देख रहे थे, आखिर में क्लोजिंग के वक्त क्या रीडिंग आ रही है देखते हैं। काफ़ी अच्छे बुलिश रीडिंग की ही उम्मीद आप करेंगे क्योंकि सुबह से हमने काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखी है। तो 65-66 के करीब, यानी हमने घंटे भर पहले इसको 70 के काफ़ी पास देखा था, लेकिन फाइनली 66 पे क्लोज होता हुआ, जो कि ये बता रहा है कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दिखाई दिए हैं बढ़ने वाले शेयरों पे। सर्वेंद्र, अगर आप देखें तो इस तीन दिनों के छोटे से हफ्ते में हमने देखा कि सीरीज के लोज से मार्केट सीरीज के हाईस तक तो पहुँच गया। अब 8 दिन बाकी बचेंगे, किस तरह की चाल आप देखेंगे अगले हफ्ते में? अगला हफ्ता फिर से 4 दिनों का होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्रदीप जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 79 और 8,000 रुपये करीब 1.25 करोड़ ओपन इंटरेस्ट आज तक का तो दिख रहा था निफ्टी में, और प्रीमियम्स हार्डली 30-40 रुपये, 8,000 का आई थिंक प्रीमियम 30-35 रुपये कुछ चल रहा है, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकती है क्योंकि 1.25 करोड़ शेयर निफ्टी में बहुत बड़ी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन खड़ी है। तो अब तो बुल्स को खाली एक ही चीज़ करनी है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने हैं 79 और 8,000 रुपये। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो एक्सपायरी इतनी सरप्राइजिंग होगी कि आप यकीन भी नहीं करेंगे, उतनी सरप्राइजिंग एक्सपायरी हो सकती है। ओके, तो बुल्स के लिए मामला आसान हो सकता है अगर बेयर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो। काफ़ी तो हुए हैं, जिस तरह का मूव हमने देखा है 350 पॉइंट केवल 3 दिनों में, उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहा यह सप्ताह बुल्स के लिए। वक्त है इजाज़त लेने का, आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, मयूरेश और सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी है आज स्टॉक 2020 के नतीजे देखने की।